पटना के कंकड़बाग और अजीमाबाद हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ रहा है। शनिवार को पटना में डेंगू के 33 और राज्यभर में 53 मरीज सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों में कंकड़बाग अंचल में 70 मरीजों की पहचान हुई है। इस बीच पटना में पीएमसीएच में डेंगू से एक और मरीज की मौत हो गई है। देखिए यह रिपोर्ट। बिहार में डेंगू का कहर जारी है। राज्य में बीते 3 दिनों में डेंगू से दूसरी मौत दर्ज की गई है। पीएमसीएच में डेंगू पीड़ित 40 वर्षीय युवक अशोक गिरी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बीते 72 घंटों में यह दूसरी मौत है। जहानाबाद के रहने वाले अशोक गिरी पीएमसीएच में 25 अगस्त को एडमिट हुए थे। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में डेंगू के 53 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 33 नए मामले पटना के हैं। इसके बाद दरभंगा और बेगूसराय में 3 मरीज मिले हैं। पटना के सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर 35 मरीज अस्पतालों में एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अकेले एनएमसीएच में 15 मरीज एडमिट हैं। राजधानी पटना के कंकड़बाग और अजीमाबाद अंचल डेंगू के हॉटस्पॉट बनकर सामने आए हैं। अकेले कंकड़बाग अंचल में 3 दिन में 70 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। हालांकि पटना नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार सभी इलाकों में फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है। इसके साथ ही मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मरीज की बड़ी संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन भी एक्शन में है। एनएमसीएच के डेंगू विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या को देखते हुए अब 30 बेड से बढ़ाकर 55 बेड रिजर्व कर दिया गया है। इसमें मेडिसिन विभाग में पहले जहां 20 बेड रिजर्व था, उसे बढ़ाकर 40 बेड कर दिया गया है। डेंगू पीड़ित मरीजों को बेड पर मेडिकेटेड मच्छरदानी में रखा जा रहा है। सभी तरह की दवाएं भी रखी गई है। अस्पताल के ओपीडी में आने वाले डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की जांच कराई जा रही है। यहाँ पर 40 बेड बनाए गए हैं डेंगू में, 20 मरीज मेल के लिए और 20 मरीज फीमेल के लिए। 40 बेड की व्यवस्था है, 5 बेड इमरजेंसी में व्यवस्था है। अभी तक हम करीब 30 मरीजों का इलाज कर चुके हैं। इस सीजन में यह डेंगू से चौथी मौत हुई है। इससे पहले बीते गुरुवार को 16 साल के आर्यन की मौत हो गई थी। 26 अगस्त की रात नौबतपुर के आर्यन को भर्ती कराया गया था, मगर प्लेटलेट्स की लगातार कमी होने से उसकी मौत हो गई थी। हालांकि बताया गया है कि मरीज को पहले से पीलिया थी। इससे पहले एक बुजुर्ग और एक महिला की भी मौत राज्य में डेंगू से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तर पश्चिम